धन्य प्रभु आप, धन्य यार। आपका ब्लॉगिंग चैनल ऐसे नहीं चल पाएगा सर, आप यूट्यूब से ब्लॉगिंग चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा, बता रहा हूँ। इस तरीके से काम करोगी तो कभी भी ब्लॉगिंग चैनल आपका मोनेटाइज नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु मौर्या और आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं अगर आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ है। मैंने अभी सुबह एक पोल डाला था, आप देख सकते हैं यहां पर, और यहां पर 89% लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं है। ज्यादातर लोग व्लॉगिंग चैनल से रिलेट कर रहे हैं, काम करते हैं। आज 70% लोग ज्यादातर व्लॉगिंग चैनल को पसंद करते हैं। आज हमारे सामने है ये भाई, इनका चैनल है ये, देखिए इनके चैनल का नाम है राजस्थानी ब्लॉग, और अपने चैनल पर 108 वीडियो डाल दिया, 4 महीने से काम कर रहे हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं, अगर मोनेटाइजेशन में जाता हूं तो यहां पर इनका सिर्फ 339 सब्सक्राइबर्स हैं और 572 पब्लिक वॉच टाइम है। 108 वीडियो डालने के बाद भी इनका अभी भी वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है, ये मुझे 500 घंटे दिख रहा है। क्या गलतियां इन्होंने की? अगर आप व्लॉगिंग चैनल पे काम कर रहे हो और चैनल मोनेटाइज नहीं है और चैनल को मोनेटाइज कराना चाहते हैं तो मेरी बात को समझना, ऐसे काम करने से नहीं होगा, 108 वीडियो डालने से नहीं होगा। आपको तरीके कैसे काम करना है, ब्लॉगिंग चैनल को कैसे ग्रो कराना है, वो आज मैं तरीका बताने वाला हूं। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है तो उसका रीजन क्या है और कैसे आपके सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम आपको मिलेगा, वो तरीके को आज मैं आपको बताने वाला हूं। आप ब्लॉगिंग चैनल पे काम कर रहे हैं, क्या सोच के आए थे ब्लॉगिंग पे? सर मेरा वो गेमिंग चैनल था, उसके बाद मैंने वो फ्री फायर का क्रेज खत्म हो गया, उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। तो मुझे 3-4 महीने सर इस चैनल पर काम करते हुए हो गए, लेकिन कोई रिस्पांस अभी तक नहीं मिल पा रहा है। उसका रीजन समझ रहे हैं क्यों नहीं रिस्पांस मिल पा रहा है? रीजन समझ रहे हैं क्या रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है? नहीं सर। अच्छा, आपने सोचा था ब्लॉगिंग आप चालू कर देंगे, हाँ आपके लोग ब्लॉगिंग देखेंगे, क्यों हम आपके वीडियो देखें? पहले ये बताइए, सबसे पहला पॉइंट है मैं आपके वीडियो क्यों देखूं और ये ऑडियंस आपकी वीडियो क्यों देखे, इसका आप जवाब दीजिए सामने। आप इसका जवाब दे देंगे आपको मैं समझ जाऊंगा आप एक ब्लॉगर बन जाएंगे। बताइए आप ऐसा अपने वीडियो में क्या देंगे जिससे हम आपकी वीडियो को देखें? बोलिए कुछ, क्या देंगे आप? चुप हो गए ना आप, आवाज नहीं आ रही इनकी। रीजन यही है कि जब आपको खुद नहीं पता है कि मैं अपने चैनल पर लोगों को क्या दूं जिससे लोग मुझको पसंद करें, आपको मिलने से, इससे मिल लिया उससे मिल लिया का इससे ग्रो हो जाएगा। कल भी मैंने एक बताया था कि मिलने से काम नहीं चलने वाला है, आपको अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा, आपको ऑडियंस को समझना पड़ेगा। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, जितने भी ब्लॉगिंग चैनल पे काम कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऐसे अगर आप काम करें, इनके चैनल का वॉच टाइम पूरा क्यों नहीं हो रहा? उसका रीजन आपको बता रहा हूं, इनके चैनल पे वॉच टाइम पूरा ना होने की वजह भैया, इनके वीडियो देखिए आप, 1 मिनट का, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट का व्लॉग वीडियो बना रहे हो। कोई व्लॉग वीडियो 2 मिनट 2.5 मिनट का होता है? आप मुझसे पूछ बताइए, आज जो नंबर 1 ब्लॉगर है वो आप क्या 2 से 2.5 मिनट का वीडियो बनाता है? और भी जितने भी ब्लॉगिंग चैनल हैं वो क्या 2 से 2.5 मिनट का वीडियो बनाते हैं? बताइए, आप मुझको बताइए। आप कभी अपने चैनल पे 0 सब्सक्राइबर कर कम्युनिटी टैब कैसे लें? आप बताइए, आप अपने चैनल पे कर क्या रहे हैं? मुझको आप सही सही तरीका बताइए। मैं सर ब्लॉगिंग ही ट्राई कर रहा था अभी ये। अच्छा आप बताइए, आपने प्रेम मंदिर गिरिराज पर्वत, इनका 1 मिनट 17 सेकंड का ब्लॉग है, कौन देखेगा इसको भाई? 1 मिनट 17 सेकंड क्या ब्लॉगिंग? ये ब्लॉगिंग है आपकी, आप बताइए। मैं कह रहा हूं जितने भी लोग ऐसे काम कर रहे हैं, ये जो आपका 1 मिनट, ये आपका डीक प्लेलिस्ट, इसलिए ब्लॉग सही था, 12 मिनट का आपने बनाया। ब्लॉग वो होता है जिसे हम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, हम किसी चीज को बताते हैं, अपनी लाइफ भी अगर हम कर रहे हैं तो सुबह से लेकर शाम तक हमने क्या किया वो हमें करना है, क्लिकबेट को लेकर काम करना है। आपने कोई क्लिकबेट नहीं किया, कहीं कहीं आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे कवर करते हैं उस पर व्यूज आता है, उसी पे ट्रेंडिंग, तो वही चीज है ना, आप खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप बताइए, मैं यही देख रहा हूं आपके वीडियो में, इस चैनल पे यही है,
अब बताइए, एक मिनट डेढ़ मिनट के वीडियो से आपका क्या होगा बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपका वॉच टाइम तभी नहीं कंप्लीट हो रहा, वॉच टाइम आज भी 572 है। आप कितने लोगों से मिल चुके हैं आज से ठीक आप 3 महीने पहले, मेरे 4 महीने पहले आए थे मेरे पास, मैंने इनको बताया था समझाया था, लेकिन वही है कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं व्लॉग में, इससे मतलब नहीं होता है। हमें अपने चैनल के एक चीज को पकड़ के करना है कि हमारी ऑडियंस अगर हमको कोई देखे तो हमारी वीडियो से सीखे क्या, देखे क्या, उसको मिले क्या, ये क्वेश्चन आप खुद नहीं बता पा रहे कि मैं क्या दे रहा हूं। तो भैया आपकी ऑडियंस कैसे आपको देखेगी, मैं आपको क्यों देखूंगा। तभी इनका आज भी 572 वॉच टाइम है, और यही टाइम काम करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे तो कभी 4000 घंटे आप पूरे नहीं कर पाएंगे और ना आपका मोनेटाइजेशन ऑन होगा इस ब्लॉगिंग चैनल का। और जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, इस तरीके चैनल के तरीके से काम करेंगे, जैसी गलती इन्होंने की है, आपका ब्लॉगिंग चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। लोग आपको कभी फॉलो नहीं करेंगे ना आपको सपोर्ट करेंगे। आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थानी व्लॉग चैनल इनका, अगर इनको थोड़ा सा दिमाग लगता, राजस्थान में इतने अच्छे अच्छे प्लेस है, राजस्थान का कल्चर ऐसा है, आप कल्चर दिखाइए, लेकिन उसको फुल ट्यूटोरियल बना के दिखाइए ना, आप स्ट्रीट फूड है आप वो चीजें दिखा सकते हैं। आप यूट्यूबर से मिलने जा रहे हैं, आप देखिए अब आप गए मिलने, आप मिलने गए डेढ़ मिनट का वीडियो बनाया, उसमें कहीं है नहीं कोई, तो बात समझ रहे हैं इससे क्या होता है, मेरी बात समझिएगा। यहां पर आप यहां पर मिस्टर इंडियन हैकर से मिलने, आप मिले नहीं और आपने वीडियो बना दिया और पूरे वीडियो में लोग देखते रहे, लोग आपसे परेशान हो जाएंगे, दोबारा आपकी वीडियो देखेंगे नहीं, वही प्रॉब्लम आ गई। आपके चैनल पे न्यू व्यूअर तो आ रहे हैं, मैं कितनी बार समझा चुका हूं, न्यू व्यूअर तो आ गए, लेकिन आपके चैनल पर जो ये रिटर्निंग व्यूअर है वो आप नहीं बढ़ा पा रहे। रिटर्निंग व्यूअर वाला ग्राफ आपका वैसे का वैसा पड़ा है, वैसे का वैसा ऐसे चलता जा रहा है। इस चीज को आप सुधारना है। अगर मान लीजिए आपकी कोई भी वीडियो, अगर आप ब्लॉगिंग चैनल पे काम कर रहे हैं, आपके चैनल पे न्यू ऑडियंस आ रही, उसको आपको लुभाना है, उसको अपने कॉन्फिडेंस या फिर अपने बोलने के तरीके से, आपने माइक लिया अभी तक ब्लॉगिंग? नहीं लिया सर। कोई माइक नहीं है, ट्राइपोड है, ट्राइपोड है, ट्राइपोड है, माइक नहीं है, कैसे आप ब्लॉगर बनोगे यार? माइक जरूरी है, अगर फोन की क्वालिटी अच्छी नहीं, वॉइस की क्वालिटी नहीं अच्छी, माइक बहुत जरूरी है। एडिटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ऐसे काम करके कैसे काम करेंगे? वीडियो को लेंथ, अगर आप व्लॉगिंग चैनल पे काम कर रहे हैं, अगर आपको वॉच टाइम चाहिए, आपका चैनल ग्रो करे, आपका वीडियो रिकमेंडेशन में आए, सजेशन में आए, तो आपको क्या करना है, उसी तरीके से काम करना है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। आपको वीडियो के लेंथ पे अच्छा फोकस करना है, आपको थंबनेल पे फोकस करना है, आपको जो आप चीज बता रहे हो किसी भी प्लेस के बारे में बता रहे हो आपको उसको, ये नहीं कि देखो जो टॉपिक अब आप बनाने जा रहे हो, मान लीजिए आप गए यहां पर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए इनका एक वीडियो है, मैं आपको बताता हूं, मेरी बात को गौर से समझना ठीक है। अब देखिए इससे आपको सीखने को मिलेगा, कहां गया, ऊपर है, ऊपर डीक पैलेस, चलिए डीक पैलेस, ये देखिए ये वीडियो इनका है, 219 व्यू आए हैं और क्लिक थ्रू रेट इतना है, लोगों ने देखो 12 मिनट की वीडियो है, आपने देखो, यहां पर बात समझना, यहां पर आपकी वीडियो 2 मिनट की है, 27 सेकंड की वीडियो है, लोगों ने आपको ये, चलो ये तो चलो सांप वाला है, आपका ये वीडियो 4 मिनट का वृंदावन, इसमें भी आपको 1 मिनट का मिल रहा है, और कोई वीडियो आपकी ऐसी जिसमें आपको 30 सेकंड लोग देखें, तो आपको उस वॉच टाइम को क्या करना है, आपको मेंटेन करना है कि आपकी वीडियो का जो व्यू ड्यूरेशन है वो कम ना हो, ज्यादा ही हो। अगर जितना ज्यादा होगी आपकी वीडियो उतनी रिकमेंडेशन में जाएगी। अब आपने ये वीडियो बनाया, थंबनेल लाजवाब, थंबनेल में थंबनेल डीक पैलेस, दिल्ली का गेट तोड़ा, लाखा तोप ने तोड़ा दिल्ली का गेट, 50 साल पुराने, इस तरीके से आपने, चले बहुत अच्छा थंबनेल बनाया। अब इसके बाद देखिए आपने लाखा तोप, राजस्थान का रहस्यमय किला, डीक भरतपुर, इतना डाला आपने राजस्थान, चलिए आपने इतना डाला, ये भी अच्छा लगा हमको। और नीचे आते हैं, नीचे देखिए टाइटल में क्या डाला आपने, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए ओ भाई, देखिए देखिए अब ये देखिए इतना ज्यादा आपने लगाया डीक पैलेस, ये अब चलिए ये भी ठीक है, आपने लाखा तोप लगा दिया, यहां पर जाते हैं, यहां पर डीक पैलेस भरतपुर, अब ये वीडियो आपकी, देखिए आपने साइबर सौरभ जोशी को मेंशन किया, इन्होंने ये डाला, टाइटल डाला, टाइटल में टाइटल लिखा हुआ है, और टाइटल इसको आप हटा दीजिए, लाखा तोप डाला, मेंशन किया, बढ़िया, इसको आपने सेव किया, और ये वीडियो आपकी 12 मिनट की, ये वीडियो आपकी चल सकती थी,
चल सकती थी वीडियो, थोड़ा सा क्लिक थ्रू रेट और अच्छा मिल जाता, लोग आपकी वीडियो को और वॉच टाइम दे जाते। एक मिनट की जगह आपके चैनल का एक, आपके चैनल का एवरेज कितना है मैं आपको बताता हूं, आपके चैनल की ग्रोथ कैसे होगी। आपको ऑडियंस अटेंशन है, यहां पर देखिएगा, मैं आपको यहां पर दिखा रहा है, ऑडियंस अटेंशन है आपके चैनल का कहां गया, 46 सेकंड। अगर आपकी वीडियो 2 मिनट का आपको वॉच टाइम दे रही तो 100% वो वीडियो आपके चैनल की एक सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियो है और यूट्यूब उसको अच्छे से बूस्ट करेगा। अब आपके वीडियो चैनल पे ज्यादा से ज्यादा आपके छोटे वीडियोस हैं जो कि 2 मिनट 2.5 मिनट की, ना तो इससे आपका कभी वॉच टाइम पूरा होगा, ना तो आपका कभी सब्सक्राइबर, लोग आपको नहीं पसंद करेंगे, बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। जब आप खुद नहीं बता पा रहे हैं आप अपने चैनल पे देना क्या चाह रहे हैं, लोग आपके वीडियो को क्यों देखें। आप जब जो चाहें आप वो डाल रहे हैं, झूठ नहीं बोलना, आपका जब जो मन हो रहा आप वो डालें। कभी यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें आप, यो भी आप बता रहे हैं, हाउ लोग कैसे आपके वीडियो को देखेंगे मैं आपसे जानना चाहता हूं। व्लॉगिंग चैनल पे काम करो, एक प्रॉपर वे से काम करिए ताकि लोग आपको सपोर्ट करें, आपकी वीडियो देखें। आप इस पे चैलेंजिंग वीडियो बना सकते थे, आपके आप तो राजस्थान से, आप राजस्थान के कल्चर को दिखा सकते हैं, उनके फूड स्ट्रीट को दिखा सकते हो, उनके खाने के तरीके क्या है, कैसे कौन भैया आजकल लोग देखना चाहते हैं। गांव से आप, गांव से हैं, आप गांव से बिलोंग करते हैं, फिर भी आपने वो गलतियां की। इधर उधर दौड़ने से काम नहीं चलने वाला साहब, आप लोग भी दौड़िए नहीं, आप लोग कंटेंट क्रिएट करने में फोकस करिए ऑटोमेटिक। अब इतने छोटे छोटे वीडियो बनाने से नहीं, आपको एक प्रॉपर वे से काम करना है, आपको लॉन्ग वीडियो बनानी है। यूट्यूब ज्यादातर लॉन्ग वीडियो को प्रेफर कर रहा है, आप खुद देखिए जाके यार, आज जो नंबर वन ब्लॉगर है और भी ब्लॉगिंग चैनल है 12-12, 15-15, 16-16 मिनट का व्लॉग वीडियो बनाते हैं, तभी तो आपका वॉच टाइम वैसे का वैसा है। आपको क्या लगता है आपने 4 महीने से इतने वीडियो डाल दिया और आप 4 महीने काम करो क्या मोनेटाइज हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं। एक चीज को पकड़ के चलिए, आप अपने चैनल पे मिक्सअप कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा बताइए। और जो गलतियां ये लोग कर रहे हैं, ये भाई साहब कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल मत करिए मैं चाहता हूं, वरना भाई आपका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा। बाद में यही होगा, सर आप हमारी मदद कर दीजिए, मैंने इतनी वीडियो डाल दिया। यूट्यूब पर वीडियो डालना ही हर चीज नहीं होता है, यूट्यूब को समझना किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, आपका तरीका क्या है काम करने का, वो बहुत मैटर करता है। आप कैसे ऑडियंस को लुभाते हैं अपने आवाज से, अपने बोलने के टैलेंट से, अपनी एडिटिंग स्किल्स से, वो सारी चीजें। आप भी एडिटिंग स्किल्स कुछ नहीं कर रहे हो, सिंपल साफ बना रहे हो, कैसे एडिटिंग सर? और अच्छे से करूंगा आगे, ऐसे काम नहीं। मैंने कितनी बार बताया है कि व्लॉगिंग चैनल पे आपको ऐसे काम नहीं करना है, ऐसे करोगे या तो आपकी शादी हो गई हो, शादी हुई है? नहीं नहीं, शादी कर लीजिए। आज तो लव मैरिज कपल के कितने सारे ब्लॉग चल रहे हैं, लोग स्क्रिप्टिंग करके वीडियो बनाते हैं। आप स्क्रिप्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं करते? आप करिए स्क्रिप्टिंग, आपको तरीके बदलने पड़ेंगे। लोगों का टायर पंचर नहीं होता, उसको जबरदस्ती पंचर करवा देते हैं आज की डेट में व्यूज के लिए, क्योंकि अगर चैनल आपका डाउन हो रहा है तो आपको क्लिकबेट करना पड़ेगा। कभी आपका चैनल ये कभी पंचर हो रहा है, कभी आपको ऑपरेशन हो रहा है, कभी आपका सर दुख रहा है, कभी आपको बीमार हो रहा है, कुछ भी आपको करना पड़ेगा, लोगों को रिटर्न लाना है, बात समझ लीजिएगा। ऑडियंस को आपको अपने पास बुलाना है, रिटर्निंग व्यूअर को बढ़ा देंगे आपका चैनल हमेशा चलेगा, लेकिन नहीं करेंगे तो आप कभी नहीं कमा पाएंगे पैसे और आपका चैनल भी मोनेटाइज नहीं होगा। मैं बार बार एक ही चीज को आपको नहीं बताना चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जितने भी लोग यूट्यूब पर ब्लॉगिंग चैनल पे काम कर रहे हैं, पहले अपने चैनल का एक उद्देश्य बनाइए कि हम ऑडियंस को देंगे क्या। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या दे रहे हो, वो उसको पता होना चाहिए, वो आप उसको बता सको सही से कि आपकी वीडियो पे उसको क्या मिलेगा। आपकी आपकी लाइफ देखने में कौन इंटरेस्टेड होगा मैं बताऊं, मैं क्यों देखूं आपकी लाइफ? आप बहुत बड़े फेमस हैं? नहीं। आज की डेट में 95% जो व्लॉगर हैं वो कहीं ना कहीं उनकी फेस वैल्यू है, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई टिकटॉक पे, कोई फेसबुक पर, कोई यूट्यूब पर अदर बड़ा चैनल है, फिर उसके बाद दूसरा चैनल ब्लॉगिंग का चल रहा है, बात समझ लीजिएगा। तो वो चीजें समझिए आप, यूट्यूब से पैसा कमाना है तो ब्लॉगिंग ये कैरियर नहीं है, ब्लॉगिंग के अलावा भी बहुत सारी कैटेगरी है जहां पर आप काम करके अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हो, ब्लॉगिंग में पैसा भी नहीं है उतना अच्छा, जब तक आपके पास अच्छी ऑडियंस नहीं बनेगी, जब तक आपके 50,000, 50,000 और 1,00,000 व्यूज नहीं आएंगे, बात समझ, 1,000 व्यूज आने से काम नहीं चलने वाला है। देख लीजिए भाई का चैनल है राजस्थानी ब्लॉग, और गलतियां तो इन्होंने की है, 3 महीने पहले हमने कुछ और समझाया था,
तो ये कुछ और ही करके बैठे हैं, तब क्या बोले हम इनको। तो यार ये गलतियां बिल्कुल मत करो अपने चैनल पे, नहीं वही है बाद में रोने से कुछ नहीं होगा यार। मैं कब तक आपकी मदद करूंगा, किस किस की मदद करूंगा। मैं चाहता हूं आप चीजों को समझिए, समझने में दीजिए। और यही आपकी, ये जो मैंने पोल क्रिएट किया था इसकी वजह से ही 89% लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं है, और इसी का फायदा उठा रहे हैं जो पेड मोनेटाइजेशन है, लोगों से पैसा अटने का काम कर रहे हैं। तो बस आप कंटेंट पे फोकस करिए, अपनी वीडियो के लेंथ बढ़ाइए, काम करने की कोशिश करिए, कुछ नया देने की कोशिश करिए। आप किसको देखते हैं ब्लॉगिंग में? ब्लॉगिंग में सर मनोज देव सर को देखते हैं। अरे तो मनोज देव की तो पहले से वैल्यू है, तो उसके तो आएंगे ना व्यू, आपको कैसे आप ब्लॉगिंग में देखेंगे लोग। धन्य प्रभु आप, धन्य यार। आपका ब्लॉगिंग चैनल ऐसे नहीं चल पाएगा सर, आप यूट्यूब से ब्लॉगिंग चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा, बता रहा हूं, सिंपल सी बात है। मेरी बात को समझिए, यूट्यूब को अगर आप हल्के में लेंगे, यूट्यूबर बनना आसान नहीं है, यूट्यूब पर काम करना बहुत वो है। यूट्यूब तो यूट्यूबर तो सभी बन जाएंगे यार, सब आज आप एक यूट्यूबर है, लेकिन यूट्यूब से पैसा आप कितना निकाल रहे हो इस समुंदर से, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। पैसा निकालना आना चाहिए आपको, बात समझ गए सर। भाई राजस्थानी ब्लॉग भाई का चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके सपोर्ट करिएगा। और इनको बताइए इनके चैनल पे कमी क्या है, इनको समझाइए, आप लोग कमेंट करिए कि इनके चैनल पे कमी क्या है, बताइए और सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, कितनी बार मैं एक ही चीज आपको बताऊं, मेहनत करिए, तरीके को बदलना पड़ेगा। उम्मीद करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए तो सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए इनके चैनल पे कमियां क्या है, इनको बताइए जाके आप लोग, जो लोग जानकार हैं, और दिल करें भाई को सपोर्ट करिए। फिर मिलता हूं एक और वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।